चलो आई थिंक रक्षाबंधन आप लोगों का अच्छा रहा ना, रक्षाबंधन का गिफ्ट आप लोग सिस्टर को भले 500 रुपये लेकिन दे दीजिएगा भाई, है ना। वॉइस क्लियर? एक्चुअली मुझे नींद आ रहा है, खुशी के मारे कलम ज्यादा सोने पाए। यहाँ पे कितने लोग फीमेल हैं, मतलब सिस्टर लोग हैं? हाउ द जोस, अरे मेरा आसपास का जो पड़ोसी लोग हैं ना सोसाइटी में, उन लोग बोले क्या हो गया आज। प्रॉफिट को गोली मारो तो हम झुकेगा नहीं इस साला। ठीक है चलो, आज पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया लर्निंग। देखो आप सीख लीजिएगा ना तो आप कभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं, है ना, कभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं, हमेशा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं आज कॉफ़ी पीऊँगा, आज मैगी नहीं खाऊँगा। मैगी साग कल मार्केट ऐसा हो रहा था, मार्केट पार ही नहीं हो रहा था। पोजीशन मैंने होल्ड किया अपना पर्सनल, अभी हाथ में थर थर हो रहा है। ये तो सिखाने वाला अकाउंट है। चलो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है ना, और मैं अभी चैट ऑफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर अच्छा प्रॉपर्टी बुक करते हैं। उसके बाद 10 मिनट टाइम है, 5 मिनट टाइम है। फाड़ू स्टेज ही बताएंगे, 500 लोग आ गए हैं। चलो आप लोग अपने सिस्टर लोग को गिफ्ट कीजिएगा ना कुछ।
अरे सिस्टर लोग को कुछ चाहिए नहीं, बस आप प्यार से जो कुछ छोटा भी गिफ्ट देते हैं तो सिस्टर लोग खुश हो जाती है, ठीक है। ऐसा उन लोगों को लालच नहीं रहता है। लाइफ में ना दो ही रिलेशन है, एक माँ बाप और एक सिस्टर। जो इन लोग बिना कुछ बिना स्वार्थ का प्यार करते हैं, ठीक है, बिना स्वार्थ का प्यार करते हैं, है ना। दो दो ही रिलेशन है, एक माँ बाप एक सिस्टर, है ना। बाकी भाई भाई में कभी किसी बनता है किसी नहीं बनता है, लेकिन दो रिलेशन है ना जो ये बिना स्वार्थ का हमेशा प्यार करते हैं, है ना। हाँ मेरी भी दो सिस्टर हैं। तो मेरा बात पे अभी कम ध्यान दो, पहले पोजीशन क्लोज करो, उसके बाद मैं भी क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। यस्टरडे कहाँ लॉस हुआ हम लोग का भाई, कृष्णा क्या नाम है, आप गलती किए होंगे तब लॉस हुआ होगा ना। सारा पोजीशन क्लोज कर देना, चाहे आप ये नेकेड लिए हैं या आप क्या बोलते हैं हेज लिए हैं, क्लोज कर दीजिएगा। भले हु हैव मेड पॉइजन यस्टरडे, बुक ऑल पॉइजन इन ओपनिंग और यू कैन वेट 5 मिनट, बट इन ओपनिंग ट्राई टू, बिकॉज इन ओपनिंग विल बी इट विल बी टू मच वोलेटाइल, सो यू विल गेट 20-30% डिस्काउंट। मीन्स इफ यू विल ट्राई टू बुक इन 500, देन इट विल बी बुक इन 450, 480। तो जितना जल्दी हो सके बुक करें, लेकिन उतना हड़बड़ी मत करना, ठीक है, उतना हड़बड़ी मत करना, क्योंकि अब मॉर्निंग में सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, या तो बहुत वोलेटाइल रहेगा। तो आराम से, यदि ज़्यादा क्वांटिटी है 2 से 3 बार में बुक करना, मतलब है ना। चलो ये श्योर है कि ये आज बोले तो 5 सेशन है, लेकिन मैं 4 ही काउंट कर रहा हूँ, तो काफ़ी से सीखे होंगे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आपका ट्रेंड को फाइंड करना, ठीक है। ट्रेंड क्लियर होगा तो चाहे आपका हीरो जीरो आपका ये हो या कुछ भी हो, ठीक है, या अरे कितने लोग क्लास सेशन होने के बाद, हाँ बुक कर लो। कल वो पूछ रहा था कितना जाएगा, तो मैंने बोला था ये 122-123 जाएगा, ठीक है, जो भी आए बुक कर लो, ठीक है। आई थिंक सबका प्रॉफिट हो गया होगा, देखो एग्जिट नहीं हो रहा है, यही होता है। ये तो सेल हो गई, वो सेल नहीं करना है यार। चलो ठीक है, डन। प्रॉफिट आ गया सबका, मजा आया। अबे जेरोडा तो काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया जेरोडा को? आप लोग का जीरोडा काम कर रहा है? जीरोडा है ये, जीरोडा जानबूझ के सलाह करता है, क्या ही बोले इसको, माँ की आग। डेस्कटॉप से लॉगिन करो, एक सेकंड। डेव जीरोडा ही वर्किंग ऑन डेस्कटॉप मोड। कितने लोग बुक कर लें, कितने लोग ये
चलो सबका प्रॉफिट में है ना, कोई लॉस में नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। आप लोग जो पे किए थे उसका वर्थ मिला आप लोगों को? ये टेंशन हो गया हमको, ये काफ़ी लोग, चल लॉगिन हो गया। नाश्ता कर लिए आप लोग? फेस रिकवर हो गया ना आप लोग का? एक सेकंड, क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ा देर में, प्रॉफिट को डाइजेस्ट कर लेते हैं हम लोग। आप जीरोडा काम कर रहा है? फिर से काम करने लगा? कल ट्विटर में को पूछा था कि इसका टारगेट कितना जाएगा, मैंने बोला था 120, और डिट्टो देखो 120 के ऊपर ही गया ऑलमोस्ट। मेरा देखो चल रहा है, कैसे चलेगा पता चलेगा। सिक्सटी फोर लाख वेट करो, वेट करो, पी लेंगे, सी लेंगे, सब लेंगे, वेट करो थोड़ा सा। क्लास 9:30 स्टार्ट हो जाएगा। जितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, ऐप में जा करके। यदि 4 डेज का कोर्स लिए हैं तो ऑब्वियस बात है सब दिखेगा आपको। काम कर रहा है जरूर भाई, काम कर रहा है। चलो आई थिंक काफ़ी लोग होल्ड किए होंगे 325, ठीक है। ऑडियंस लोग, आप लोग तो कल बोल दिए थे कि नेकेड बाई कर लो, तो इससे आपका प्रॉफिट में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाले होंगे।
पब्लिक लोग है ना, तो नहीं आज स्लीपिंग स्टे नहीं कर सकते हैं। एक बार दोबारा बोल दो, हाउ द जोस लॉस नहीं, सब प्रॉफिट में है ना। कितना प्रॉफिट हुआ नंबर में बताओ, नंबर में कितना प्रॉफिट हुआ? 48,000, 18,000, 12,000, 16,000, 7,000, 22,000, 18,000, 6 लाख, 15,000, 23,000, 2 लाख, 32,000, 7,000, 5,000, 33,000, 45,000, 20,000, 1.5 लाख, 19,000, 30,000, 17,000, 43,000, 22, 40,000, 45,000, 8,000, 6,000, 9,000, 30,000, 4,000, 2,000, लॉस एक दो कैसे हो गया? 7,000, 20,000, 7,000, सबका मतलब जो फीस था वो तो कवर हो ही गया है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट 23,000, 1 लॉट 1,500, 11K, 21,000 है ना, 17,000, 59,000, 13,000, 17,000, जल्दी जल्दी बताओ यार, 1.5 लाख, 16,000, 10,000, 17,000, 23,000। कोई लॉस किए हैं तो आप अपना गलती से किए होंगे, मुझे मत बोलिएगा ठीक है। 60,000, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, 23,000, 23,000, 5,90,000, 23,000, 15,000, 68,000, 23,000, 13 लाख, ग्रेट, 20,000, 33,000, 7,000। या भाई यहाँ कोई फेक नहीं है, यहाँ पे सब अपने लोग हैं ना, पैसा देखा है यहाँ पे, कोई फ्री में नहीं आया। 1 लाख, 25,000, 2, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर एवरी वन। पता सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, यदि आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ और अच्छा लग रहा है ना। और देखो जितने लोग प्रॉफिट नहीं किए ना, ये श्योर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आपका, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जो सेटअप बताए हैं आपको पूरा वीक का ठीक है, वो सेटअप कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ना बढ़ा? सुपर, खुद से देखो आप 500 भी प्रॉफिट कीजिएगा तो अलग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किस लॉजिक से लिए थे, नहीं लिए थे, जितने लोग क्लास मिस किए ना, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक कल एक कमेंट किया था, केवल टाइम पास हुआ क्लास में। अरे भाई तो मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैं तो बता ही रहा था यार, टाइम पास मतलब मुझे शौक है, मेरा फालतू टाइम है कि मैं आपसे टाइम पास करते रहूँ है ना। तो बस वही कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड करना है ना। सही बात है, आप ट्रेड नहीं लीजिएगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? एक लोट से भी को लिया होगा तो फिर भी 7,000 प्रॉफिट हुआ एक लोट से। आप कैपिटल एटलीस्ट 50,000 रखो तभी तो होगा। मैं केवल यहाँ स्कैल्पिंग, मैंने पूरा ट्रेडिंग सिखा दिया आपको ठीक है। एट्टी 85,000, सुपर सुपर ब्रदर सुपर। चलो अब क्लास स्टार्ट करें, कुछ लर्निंग लेने हैं हम लोग, उसके प्रॉफिट तो ज़िंदगी भर करना है। मज़ा आ गया लेकिन, जितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए उनको लॉजिक वगैरह अपना समझ में नहीं आ रहा होगा तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा ठीक है।
चलो आप लोग अपना सिस्टर को प्लीज़ कम से कम 500 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है? या ज़्यादा जिनको प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपये दे सकते हैं। यस मौके में कुछ हुआ हाँ वही सीखेंगे, एनी टाइम स्कैल्पिंग कैसे करें वो सीखेंगे, है ना? इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है? थोड़ा मैं वीडियो बन करके खाना खाता हूँ यार, नज़र लग जाएगा। एक्चुअली थोड़ा खांसी आ गया, नाश्ता मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद 2 मिनट लगेगा, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। 145 नहीं करना है, शादी बुलाएंगे भाई सागर, शादी अभी होगा तो नहीं बुलाएंगे, ऐसे जबरदस्ती बुला देंगे क्या? पेन ड्राइव वाला कंटेंट मिल जाएगा, जितने भी स्केल्पिंग कोर्स लिए हैं ना उनको ड्राइव में डाल के भेज देंगे, या तो गिफ्ट जा रहा है ना। अब जरूरा हैंग हो गया तो उसमें हम क्या करें, कुछ लोग पब्लिक लोग ने बुक किया हो, लेकिन आप लोग तो नेकेड में मतलब किए होंगे। अभी वैसे कोई लड़के मिली नहीं जो शादी कर सकते। हाँ मीटअप रखेंगे, जल्दी रखेंगे। मोनू भी रहेगी चलेगा, लेकिन उसको सोनू बना देंगे। लोग हमको टेक करके बोले जेरोडा काम नहीं कर रहा है, भाई जेरोडा को टेक करो यार, हमको क्यों टेक कर रहे हो? मुझे कोई गिफ्ट भेजना है तो चाहते भेज सकते हो, राखी कोई यहाँ पे जो भाई मानता हो सिस्टर लोग राखी भेज सकते हो मेरे लिए, मैं गिफ्ट भेज दूँगा, ठीक है? फिजिकल वर्कशॉप होगा अगस्त महीने होगा, अभी वीकेंड में वीडियो वेट करो उसका। रूपाली पांड्या, आप बोल रहे थे आपका नाम नहीं आता है लकी मेंबर में, कल आ गया ना आपका। काफ़ी सारा चीज़ करना है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, सब कुछ करना है, खुद से करना है। जिनका नहीं आया है भाई आ जाएगा, नेक्स्ट वाला जब लिस्ट आएगा ना, ये वैसे भी तो जियो स्कैल्पिंग कोर्स लिए सबको तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब सबको यार आईफोन देंगे तो हम लूट जाएंगे। आप जो प्रॉफिट किए उससे आप ले सकते हैं ना आईफोन, यार मोबाइल ले सकते हो ना। सही बात, जेरोडा की माँ की आँख। और आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, देखो मैं जो लिस्ट कल बनाया था ना, सोशल मीडिया में जितने लोग एक्टिव थे जो हमेशा एक्टिव रहते हैं वहीं से मैं निकाला था, और उसको मैं वेरीफाई किया कि वो कोर्स ज्वाइन किया, तो फिर मैंने नाम डाल दिया, ठीक है? रैंडम डाला है, ऐसा कुछ सेलेक्ट करके नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनका भी नाम आया मेरा किसी से बात नहीं हुआ आज तक, किसी से बात नहीं हुआ, ठीक है? मैं किसी को ना मिला हूँ ना देखा हूँ, ठीक है?
बस कमिटमेंट था कि जितने लोग लिए हैं चलो 51 लकी मेंबर निकालना है, ठीक है, तो वो निकाल दिए थे। ठीक है, बाकी जितने लोग चाहे आप 1 डे का भी लिए होंगे या 4 डे के लिए होंगे या 5 डे के लिए होंगे, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको गिफ्ट जाएगा, है ना। अब बाकी समझ लो कोर्स फ्री में हो गया, जो गिफ्ट जाएगा ना उसका वर्थ है। ऐसा नहीं कि आपको एक पेन भेज दे रहे हैं, ठीक है, या डायरी, वैसा कुछ नहीं, बड़ा गिफ्ट जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ नाराज मत होइए, ठीक है। जो लर्निंग मैंने दिया वो सबसे बड़ा चीज़ है ना। गिफ्ट को सरप्राइज आने तो अभी से बता देंगे। ट्विटर में एक्टिव रहो आप लोग, ठीक है, और जितने भी लोग का नाम आया है 51 लकी मेंबर का गिफ्ट जाएगा, तो प्लीज़ आप वीडियो पॉसिबल होगा तो बना के भेज दीजिएगा, मैं पर्सनल आपसे बात करूँगा, ठीक है। और जितने भी लोग स्कैल्पिंग में कोर्स नहीं, वो भी वीडियो बना सकते हैं, वो भी गिफ्ट है डालने के लिए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ नाराज मत होइएगा। बाकी मेरा शादी में आना, ठीक है, सबको बुलाएंगे, आप लोग गिफ्ट लेके आइएगा। आप बिरयानी भी खाने, सब मिलेगा, भेज नॉन भेज दोनों मिलेगा। वन फोर्टी फाइव नहीं करना, रेस्ट मारो भाई। ट्विटर का मैं मैसेज नहीं चेक करता हूँ, काफ़ी लोगों का मैसेज है ना, तो आप डायरेक्ट टाइप जो भी कुछ बात करना है आप डायरेक्ट टेक कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में टेक कर सकते हैं। बाकी जिनका लकी मेंबर में नाम आया उनका तो भी, उनसे तो बात करूँगा पर्सनली। फाइव मिनट और ब्रेक लेंगे, मतलब ब्रेक मतलब बात ही कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, ठीक है। मैगी नहीं खा रहे हैं यार, केक खा रहे हैं। शेख आलिम ने आ जाएगा सारे, आप स्टेज खरीदें तो ये शिव रहेगी। अरे किनका इनका नाम आया है आपका लकी मेंबर में, यहाँ पे हैं, किनका इनका नाम आया है खाली बोल दो, मेरा नाम आया बस। काफ़ी लोग तो क्लास बाद में ज्वाइन कर देंगे, क्लास लिया है लेकिन पता नहीं कोई टाइमिंग इशू होगा।
गुड गुड गुड। कॉपी ट्रेडिंग वाला के लिए अलग से लिस्ट मिलेगा गिवे में, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, क्योंकि मैं किसी का ना शक्ल देखा हूँ ना कुछ देखा हूँ तो सोशल मीडिया से जानेंगे ना कि आप कैसे हैं। एक कोई सवाल पूछ रहा था कि अभी कैसे लगता है सक्सेस मिलने के बाद। पता है कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, मतलब कुछ भी बड़ा काम लेते हैं जैसे घर लिए 3 करोड़ रुपया का, तो कुछ खुशी नहीं मिलता है, लग रहा है कि क्या है कल ले लेंगे फिर से दोबारा ले लेंगे ठीक है। या कार ले रहे हैं 2 करोड़ का तो लगता है कि कुछ, मतलब वैसा एक्साइटमेंट नहीं लगता है कि मतलब कुछ कर लिए कुछ कबाड़ लिए, लगता ही नहीं, मतलब फिर लगता है कि कल फिर से दोबारा खरीद लेंगे 1 सप्ताह बाद, ऐसा लगता है। तो आप लोग भी ऐसे सक्सेस हो जाओ, दिल से बोल रहे ऐसे ही लगता है, कुछ ऐसा लगता नहीं कि मतलब आजकल तो लोग बाइक भी लेता है तो इतना खुशी मनाता है कि मतलब क्या ही बोलो। लेकिन आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाइएगा ना कि आपके अकाउंट में डेली 20 लाख भी आएगा फिर भी कुछ खुशी नहीं मिलेगा, या आप कोई भी बड़ा काम करते हैं ना तो खुशी मतलब उतना खुशी नहीं मिलता है ठीक है। तो मेरा बस यही विषय है कि आप लोग भी ऐसे सक्सेस हो, कि कुछ भी बड़ा कुछ भी कर लो नॉर्मल, और कोई सवाल है? लोग आईफोन लेता है 50 को रील बनाता है ठीक है, और यहाँ कितना आईफोन हम लोग बांट रहे हैं तो कुछ खुशी मिलता ही नहीं उतना। भाई को सवाल है ना तो आप क्वेश्चन से पूछे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्चुअली ट्रेड अभी मेरे हिसाब से अभी नहीं लेना, इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं डीप आने का, उसके बाद ट्रेड लेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चन हो तो, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा क्वेश्चन पास पार हो जा रहा है। यहाँ पर आप नाम ले लीजिए अजय कुमार धांधी का ठीक है, और कोई सवाल है तो आप यहाँ पर पूछिए क्वेश्चन में Q&A में, ताकि मैं आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ ठीक है। तो मैं केवल आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, आपको लाइव जर्नी जीना भी सिखा रहा हूँ है ना। आजकल अरेंज मैरिज कौन करता है यार? शादी होगा पूरा दुनिया को पता चलेगा। हाँ चलो चैट ऑफ कर देते हैं, कुछ भी सवाल होगा तो यहाँ से आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैसेज दिख ही नहीं रहा, इतना फास्ट जा रहा है मैसेज कि दिख ही नहीं रहा। तो कुछ भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लीजिए, तो तब तक हम लोग कोई Q&A कर ले, डाउट सेशन भी क्लियर हो जाएगा। एक एक करके मैं उठाता हूँ। सर आपकी पड़ोसी का रिएक्शन पहले कैसा था और आप कैसा है? क्या ही बोले कुछ जवाब नहीं है।
सर मैंने 4 दिन का कोर्स लिया है, मुझे इंट्रो वाला रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? आपने बोला था अपलोड हो गया है, बट अभी तक इंट्रो वाला मिल जाएगा है ना। राजस्थान देखो यार, राजस्थान में अच्छे दोस्त लोग हैं ठीक है, तो मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्कशॉप के लिए उतने लोग हैं नहीं सर। जब हम मार्केट के ऑपोजिट ट्रेड लेते थे, क्वालिटी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस में और हर पर क्वाइंट ट्रेड करते, तो ऐसा नहीं था, बाई चांस क्वालिटी स्टॉक के पलट जाते थे। कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ लो है ना, तब तो डाउट सेशन हम लोग क्लियर कर लेंगे। नासिर भाई दिल्ली में कब होगी फिजिकल वर्कशॉप? दिल्ली में भी होगा, हर जगह हो, लेकिन पहले मुंबई और हैदराबाद होगा है ना, पहले मुंबई और हैदराबाद होगा। कैसे बोला जी ऊपर जाएगा? कल तो आप क्लास में थे ना, एनओ नेम्स ये 325 के हिसाब से बोले थे ऊपर जाएगा। किसी भी टाइम स्कैल्पिंग कैसे करें, वही आज सीखेंगे। किसी भी टाइम स्कैल्पिंग कैसे करें वही सीखेंगे। बैंक निफ्टी के स्टेज ही बता दो, बैंक निफ्टी का स्टेज ही कल ही ध्यान से आप सुने होंगे, तो मैंने जैकपॉट स्टेज ही बता दिया आपको ठीक है। तो स्कैल्पिंग में तो 20 से 30 मिनट बुक कीजिएगा, जिस जो मैंने कल बताया उसके हिसाब से आप कीजिएगा, तो वीक का आप 400 से 500 पॉइंट प्रॉफिट बुक कीजिएगा है ना। जैसे उसका रिजल्ट देखो ना सामने है यार, रिजल्ट सामने है, देखो ये 1200+ चला गया ठीक है, रिजल्ट सामने है भाई। मेरे क्वेश्चन थे, जब हम स्लीपिंग स्टेज ही लिए थे मोस्टली ट्यूजडे, मार्केट मोस्टली टाइम पास करता है, प्रीमियम देखा होता है, क्या हम नेक्स्ट डे के होल्ड कर सकते हैं? नहीं, जो रूल्स है फॉलो करना है, और स्लीपिंग स्टेज ही का केवल मंडे और ट्यूजडे करना है, जिस दिन हॉलीडे रहेगा नहीं करना। हिमाचल आएंगे। अच्छा चलो ये सब तो हो गया, कुछ काम का बात पूछो कि स्कैल्पिंग में अभी तक कुछ डाउट है तो पूछो। गुरुजी स्कैल्पिंग इन्वेंट्री कैसे एक्यूरेट करें? वही ले देख करके, आप हैदराबाद ऑफिस में कुछ काम मिलेगा सर, नो सैलरी। नहीं सैलरी क्यों नहीं मिलेगा ठीक है, सैलरी मिनिमम 50,000 मिलेगा ठीक है, आप काम कीजिएगा तो। ऐसा थोड़ी कि आप काम कीजिएगा तो काम। लखनऊ मीटअप कब करेंगे? हैदराबाद से कितने लोग हैं यहाँ पे? सर मैं स्क्रीन शॉट शेयर करना चाहता हूँ, इजाज़त है? 13,16,000 आपकी वजह से नासिर भाई, दिल से। आप ट्विटर में टैग कर दीजिए, यहाँ पे पता नहीं सेंड करने का ऑप्शन नहीं है। धनंजय कुमार आपने प्रॉफिट किया है, तो ये ट्विटर में टैग कर दीजिए है ना, उदय पर पूरे भी आएंगे ठीक है। आपने एनएससी वेबसाइट जो एडवांस डिक्लाइन बता रहे हैं, उसे किसी भी दिन टाइम देख के ट्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ आप ले सकते हैं भाई ठीक है। वेन टू स्टॉप स्कैल्पिंग यस्टरडे, यू शुड नॉट टू स्कैल्प ऑन 135। वाई 135 से स्टार्ट करना है ठीक है, और यदि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है पूरा दिन भर का, जो एवरेज मूवमेंट होता है आपका निफ्टी का 300 टू 400, बैंक निफ्टी का 300 टू 400, और बैंक निफ्टी का आपका ये सॉरी बैंक निफ्टी का आपका 300 टू 400, और निफ्टी का आपका 150 टू 200 होगा, तो वहाँ पे फिर आपको नहीं करना है सर। ट्रेड कब लेना है आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ आप सुबह 9 से 11 के बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखो मैं रिपीट नहीं करूँगा, रिकॉर्डेड इसलिए तो हम रिकॉर्डिंग रख रहे हैं ना। स्कैल्पिंग के एंट्री एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, किसी भी टाइम अगर हम करते हैं। इट्स 9:46 AM। ये सीरी टाइम क्यों बता रही है? और आपने स्कैल्पिंग में ट्रेड लेने के बाद रिवर्स हुआ तो कैसे पता चलेगा? बस ट्रेंड चेंज करना है। कल का सेशन आप देखिए, कल का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास था ठीक है भाई, मिस हो गई, बच्चे को स्कूल लेने गया था, क्या करूँ, अकेला हूँ घर पर, सब कुछ देखना पड़ता है। प्लीज़ रिपीट यस्टरडे, बैंक स्टेज टोल यस्टरडे, थैंक। रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड हो गया प्रवीण शर्मा, आप देख लीजिएगा ठीक है। नासबी 13 वाले पॉइंट का वाला कब मिलेगा? ये इस छुट्टी रहेगा ना इस बार, तो वीडियो में डाल दूंगा ठीक है। माजिद अहमद मैं हूँ सर, मेरे को भी काम करना है मुंबई के ऑफिस में। जयेश महाजन क्या आपका स्किल से आप बताइएगा, आपके अंदर स्किल होगा तो श्योर काम पे रखेंगे, हम लोग को चाहिए ही। अभी लगभग 30 लोग कॉलिंग करें, लेकिन फिर भी मतलब अनेबल टू रिस्पॉन्ड एवरीवन, तो वो हम लोग को उसके लिए चाहिए। पृथ्वीराज पुणे का शेड्यूल कब होगा? पुणे श्योर होगा क्योंकि पुणे में सबसे ज़्यादा लोग हैं, या पुणे वाले लोग मुंबई आ सकते हैं। अरे यार खाली वर्कशॉप के बारे में पूछ रहे हैं।
कौन कौन सा डे स्कैल्पिंग कर सकते हो? सारे दिन स्कैल्पिंग कर सकते हो, सारे दिन जो टाइमिंग बताया गया है सारे दिन स्कैल्पिंग कर सकते हो। कस्टमर में डायरेक्ट बात कर ले, राहुल रतन बताओ क्या सवाल है आपका। सर मैं राजपथ में राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ, मुझे आपके बुला लीजिए, श्योर बुला लेंगे, एक बार मिलेंगे। एक तो अपना फ़ोटो डालिए, आप मैं कैसे पहचानूंगा यार आप। स्कैल्पिंग का मार्जिन बढ़ाना समझ आता नहीं, वो तो सेलिंग के लिए बताया था ना, समझा दो कल वाला, समझा देंगे, प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस सेक्शन आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए, है ना, स्कैल्पिंग का मार्जिन। अरे यार सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑटोग्राफ उतना भी बड़ा आदमी नहीं हुआ यार, यदि कंसिस्टेंट में डेली का 1 करोड़ कमाने लगूंगा तब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, अभी 10 से 20 लाख रुपए ही होता है। और कोई सवाल? मनीष चौहान सर मेरे सारा कोर्स स्टेज लिया था स्कैल्पिंग डॉक्टर, फिर भी मेरा नाम नहीं आया, नेक्स्ट में आएगा यार। ये जो 1 करोड़ का जो गिवे वे है उसमें नाम डाल देंगे, टेंशन मत लो। नास मेरा सवाल 3 मिनट में टाइमिंग को लेकर, मैंने देखा है कि 3:25 की बाइक टाइमिंग अलग होती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखो 3:15 के बीच में कोई प्राइस मिले तो बाई कर लो, वैसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है आपका, ये 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंट रहता है। सर रिक्वेस्ट है प्लीज़ कुछ 10 से 15 दिन के लिए डेली 145 इस टाइप पर अपडेट कर दो। कर तो देता हूँ यार। सर मेरा गिफ्ट वापस आ गया, मतलब क्या होगा? सर मोनू को क्या करना है? मोनू को भाई ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। कमिंग टू हैदराबाद, आपसे मिल सकते हैं प्लीज़, आप अपना एड्रेस बताओ। मुंबई आप का ऑफिस में आप मिल सकते हैं, ठीक हो? मैं फ्री नहीं रहता हूँ, लेकिन हाँ मीटअप करेंगे तो सबसे मिलेंगे, केवल एक आदमी से क्यों मिलेंगे? सर हिंदी लैंग्वेज में कॉलिंग के लिए चलेगा? आई एम गुड इन हिंदी। हाँ भाई हिंदी चलेगा, 90% हमारा ऑडियंस हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाला भी चाहिए। बैंक निफ्टी का स्लीपिंग स्टेज नहीं है भाई, उसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है हाँ, फ्राइडे में स्कैल्पिंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन कम टारगेट रखना। तो प्रॉपर कुछ नहीं होता है, ठीक है? सारा चीज़ है आपका प्रोबेबिलिटी का काम है, प्रॉपर कुछ नहीं होता है, और बस मैंने जो सिखाया है बाकी अभी हम लोग जो सीखेंगे, जो फाइनल जो सेशन होगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, ठीक है? तो आप डीएम कीजिएगा और आप बोलिएगा कि मैं आपका स्कैल्पिंग लिया हूँ, तो नहीं तो डीएम का भी रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता रिप्लाई, मतलब ऐसा नहीं कुछ एटीट्यूड या घमंड ऐसा कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिलता रिप्लाई करने के लिए, तो कहाँ से रिप्लाई दें? देखो मार्केट एजिटेज तो आदत हो गया यार मुझे ना, ये जो मैंने बताया ना ट्रेंड फाइंड, मुझे कुछ देखने जरूरत नहीं पड़ता, मेरा हैबिट हो गया है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी कहाँ जाएगी, ठीक है वो पता रहता है। सर मेरा 1 करोड़ गिफ्ट क्यों वापस गया? मे बी आपका एड्रेस गलत होगा, फिर से वापस गया तो फिर से मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सर दुबे कब आ रहे हो? जल्दी आएंगे सुमित भाई, जल्दी आएंगे। राजस्थान में गिफ्ट नहीं आया क्या? सर जगह गिफ्ट चला गया यार। 10 अगस्त का वीडियो अपलोड होगी, आप देख लो। गुड मैनेजमेंट स्किल STS4, इसका नाम है, श्योर है? आप रिज्यूम भेज दीजिएगा तो जिनको ये टीम बन करके ना, और हमारे पास ऐसा नहीं कुछ को टारगेट दिया जाता है, कुछ नहीं, बस काम करना है यार, ठीक है? काम करना है, बस दिल से काम करना है। NSE का साइट्स का और बाकी जो मैंने मनी कंट्रोल के जो भेजा था, ठीक है वो देखना है।
मंडे को हॉलीडे, ट्यूसडे को स्लीपिंग स्टेज ही कर सकते हैं। यस कर सकते हो मोहित गोयल। मुझे कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, मैं जब बनाऊंगा ना अपना यूनिवर्सिटी तब आपका हेल्प होगा। आपका हार्ड टाइम में भाई आपके साथ कौन खड़ा था? बस सेल्फ बिलीव यार, कोई खड़ा नहीं था, सेल्फ बिलीव, बाकी माँ मम्मी पापा का दुआ ब्लेसिंग है ना। आपका ये हो गया, हम स्केल्पिंग टाइम के हिसाब से कैसे करें? दो टाइम में अभी प्रैक्टिस करो, एक सुबह आपका 9:30 के बाद और एक आपका 1:30 to 2:30 के बीच में है ना। उसके बाद फिर जब 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद कीजिएगा। नहीं, स्कैल्पिंग जो भी करना है इंट्राडे में करना है, ठीक है, इंट्राडे में करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप पोजिशनल कीजिएगा, 500 पंडल मोमेंट हो गया उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, ये श्योर है, तो इंट्राडे में करना है, ठीक है। लेकिन जब तक आज का लो ब्रेक नहीं करें तब तक नहीं करना। डॉट टू डॉट सिखाएंगे लेकिन इसमें नहीं सिखाते, टाइम नहीं है। कर्नाटका जाना है एक बार, या उसके बाद मिलेंगे आपसे, उसके बाद करेंगे। मेरा एज अभी 27+ चल रहा है सिद्धार्थ अग्रवाल। जयपुर तो जाते रहता हूँ यार। स्कैल्पिंग का गिफ्ट कब तक मिलेगा? ये आपका सैटरडे से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका वीडियो आएगा। हाय सर, इम्प्रूव योर सपोर्ट टीम। एक खान, हाँ कर रहे हैं यार। देखो हाँ, मैं कभी ज़िंदगी में प्राइवेट जॉब तो किया नहीं हूँ, तो सब सीख रहा हूँ अभी, है ना। वाईजैक आएंगे श्योर। आई हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस फ्रॉम बैंगलोर। रवि तेजा, मैं आपसे बात करूँगा, मुझे चाहिए ऐसे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। आई रिसीव गिफ्ट एट जोधपुर राजस्थान। गिरीश कुमार, वेरी गुड। मनोज चौहान, माई वाइफ सेंड सर राखी, भेजना है तो एड्रेस दीजिए ना। आप डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम में सेशन ख़त्म होने के बाद। अभी बस बात करें, सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी बस बात करें, क्योंकि एज एज पर माई रूल्स अभी करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जब गैप अप होगा तो करना नहीं है। स्कैल्पिंग गिफ्ट कब तक? ये तो भाई एक ही सवाल मत पूछो यार। उसमें अभी गिफ्ट नहीं आया है, फुल कोर्स लिया है और फर्स्ट डे लिया है, गिफ्ट अभी भेजे नहीं है, जो स्कैल्पिंग के जो कोर्स लिए हैं गिफ्ट अभी भेजे नहीं है, ये हम लोग सैटरडे को स्टार्ट होगा। एनी स्ट्रेटजी फॉर पोजिशनल? गुड क्वेश्चन राजेश, अभी मैं बता दूंगा। जीगार, 100K फॉलो का पेज स्टॉक मार्केट का, वेरी गुड। ठीक है यार, हम लोग कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम में फॉलोवर रियल है ना, क्योंकि आजकल बोट रहता है बहुत सारे लोग का। सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी प्रोफेशन में आई ज्वाइन? रजत खुंगार, कितना सर का एक्सपीरियंस है ना, हमारा फर्म ही है सीए का, ठीक है, तो मिल के आप काम कर सकते हैं। कोलकाता में होगा, श्योर होगा। आई एम मैनेजरियल स्किल, हाउ टू शो यू इन वीडियो। आप ड्राइव में भेज करके आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। भैया जोमेटो में 1 साल काम किया डिलीवरी बॉय, कस्टमर से बात करने और डाउट करने करने का पेशेंसली स्टार्ट ट्रेडिंग भी था भैया कस्टमर के जो। भैया सागर, आप तबरेज भाई आपसे बात करेगा, ठीक है, बात कर लेंगे। डॉट डॉट का सेक्टर बताएंगे, लेकिन अभी पूरा स्कैल्पिंग ख़त्म हो जाएगा, टाइम बचेगा तब हम लोग बताएंगे, ठीक है सर। पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन, ग्रुप इम्प्रूवमेंट, 2 साल बाद मिलेंगे सर, हो सके तो रिज्यूम
रख लो, आऊँगा। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? लिखने का कहाँ रहेगा। हाँ, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि कुछ नया सीखते हैं हम लोग। एक भाई साहब पूछे, पोजिशनल कुछ बता दीजिए, तो मैं पोजिशनल बता दे रहा हूँ, है ना? और हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड भी ले लेंगे। ट्विटर में काफ़ी लोगों का मैसेज आया, मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूँ, है ना? क्योंकि वीडियो सही से आ ही नहीं पाता है इसमें, जूम में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पोजिशनल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और श्योर शॉर्ट प्रॉफिट के लिए पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। ये स्कैल्पिंग से बाहर का है, स्केल्पिंग का मैंने जो बताया है, ठीक है, उसको पहले प्रैक्टिस करना है। बाकी नेक्स्ट जब हो, छुट्टी शायद मंडे को है, तो ट्यूजडे को, फ्राइडे को सेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्राइडे पे टाइम पास हो जाएगा, ठीक है? वैसे आज भी हम लोग को सेशन नहीं करना था, लेकिन क्या बोले, तो एक्सपायरी का जो है ना, जिनको लॉस होता है, ठीक है, जिनको लॉस होता है, तो उसके लिए बता दे रहा हूँ क्या करना है। अभी अब नेक्स्ट वीक का हम लोग खोलेंगे खाता, नेक्स्ट वीक का खाता, जिनके पास फंड होगा वही कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? एक्सपायरी में हमेशा नेक्स्ट वीक का ट्रेड लीजिएगा, नेक्स्ट वीक का ट्रेड लीजिएगा, ठीक है? 17,900 सी और 17,600 पी। ये एक्सपायरी के दिन में करने का, नेक्स्ट वीक का आप 60-70 रुपीज़ दोनों का सेल कर दीजिएगा नेक्स्ट वीक का, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपको फ्राइडे को जो मार्केट टाइम पास करता है ना, रेयर केस में मतलब 99% चांसेस रहता है कि टाइम पास करता है मार्केट, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अरे यार, सी कंप्लीट, पी कंप्लीट, इसका आप रेंज देखिएगा ना, ठीक है? इसका आप रेंज देखिएगा, तो बहुत बड़ा रेंज निकल के आता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का आप कर रहे हैं ट्रेडिंग ना, तो इसका रेंज देखिए, आपका ब्रेक इवेन, हाँ, 17,300 और 18,000, इस बीच में मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो ये एक, जब आपका फंड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 20 लाख 30 लाख, तो एक्सपायरी में प्रॉफिट होने हो जाने के बाद ये ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ये ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज देखो, ये मत देखो कितना बता रहा है अनलिमिटेड लॉस, ये वो मत देखो, ठीक है? यहाँ पर रेंज देखिए आपका 17,400, अभी कितना है, 17,700 है, तो डाउन साइड का जो रेंज हो गया आपका, डाउन साइड का आपका रेंज हो गया 17,000, अभी 17,700 है, ठीक है, माइनस 17,368, डाउन साइड का लगभग 300 पॉइंट, और अप साइड का भी रेंज भी लगभग 300 पॉइंट, तो 600 पॉइंट का आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है? 600 पॉइंट का आपके पास ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? ये कर सकते हैं, तो फ्राइडे को, फ्राइडे तक आपका फर्स्ट हाफ से पहले इसको एग्जिट कर देना है, ठीक है? फर्स्ट हाफ से पहले एग्जिट कर देना है, और जिनका भी फंड कम होगा, ठीक है, जिनका भी फंड कम होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, एक सीपी बाय कर सकते हैं, जैसे 17,900 से 18,500 का हम लोग बाय कर लेते हैं, 18,500 का सी बाय कर लेंगे, मतलब तो इसमें क्या होगा, मार्जिन मिल जाएगा। अलाउ करता है जीरोडा, जब आप पहले सेल करते हैं ना, तब आपको जीरोडा अलाउ करेगा, ठीक है? और 17,000, तो यहाँ पे 16,500 का पी बाय कर लेंगे, ठीक है? मुझे आदत हो गया यार ये स्टैक प्रेस वाले सेलेक्ट करना, ठीक है, तो हैबिट हो गया, तो ये मैं बोलिए कैसे सिलेक्ट करना है या कैसे करना नहीं करना है, ठीक है? तो हैबिट हो गया, ठीक है? तो ये प्रॉपर हेज हो गया आपका, 50,000 में एक लोट आपका हो जाएगा, जिनके पास फंड है वो कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो मतलब मस्त है, मतलब
और ये फ्राइडे तक आपको प्रॉफिट दे ही देगा, भले कम प्रॉफिट देगा, कैपिटल का 2% दे, 3% दे, लेकिन डीमैट अकाउंट में पड़े पड़े तो कुछ तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है, बैंक में रखे रह के कुछ तो पैसा बनने वाला नहीं है। तो ये एक स्टेज ही है जो मैं वर्कशॉप में भी सिखाता हूँ, तो ये एक बोनस मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी भी देखो लगभग 1000 रुपये प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है ये कैसा स्टेज ही लगा, मैं चेट ऑन कर रहा 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये स्टेज समझ में आ गया? हेलो हेलो हेलो, तो ये स्लीपिंग क्या, ये तो समझ लो नशा करके जैसे सो जाते हो ना, ठीक है। वैसे वैसे वीकेंड में सो जाओ, ठीक है। अभी भी देखो 1500 प्रॉफिट दे दिए, नहीं सही माया, क्या ही बोले यार, इतना सिंपल स्टेज ही है। फंड आराम से मतलब 70 से 80 रुपये मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलो एकदम चिल स्टेज ही, आराम से चील करके सो जाओ, नहीं सही माया, सिंपल सा भाई। एक्सपायरी आज है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का 60-70 के बीच में दोनों को सेल करना है, सी पी को, ठीक है। और हेज के लिए हम लोग बाय कर लेंगे 2 से 3 रुपया वाला, यही है। क्योंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा हो, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा हो 70 के में, दोनों आपका 70 के में हो जाएगा। ये नॉर्मल में तो बाइक किया यार, ये मैं वर्कशॉप में सिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा मूड है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो इतना सिंपल स्टेज है यार, को बच्चा भी कर लेगा। आज एक्सपायरी है तो नेक्स्ट वीक का 60 टू 70 के बीच में दोनों को सेल कर देना है, और मार्जिन लेने के लिए 2 से 3 रुपये वाला बाई कर लेना है, डैट सिंपल। और फ्राइडे को 2 बजे पहले प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। मार्जिन वही 4 लाख समथिंग लगा होगा, समझ में आया आपको? देखो हम लोग स्कैल्पिंग नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट एक ही जगह है, ठीक है। नहीं, बाय नहीं कर सकता, फिर तो उल्टा बात हो गया, जो यहाँ प्रॉफिट आएगा वो आपको लॉस हो जाएगा, बाय नहीं करना है। अबरी एक्सपायरी को, ठीक है, नेक्स्ट वीक का 60 टू 70 रुपीज़ का सी पी दोनों सेल कर देना है, अंडरस्टैंड। और फ्राइडे को 2 बजे पहले बुक कर लेना, क्लियर। जो मिले आपको, 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो पहले सेल कीजिएगा, उसके बाद बाय होगा। बिग गैप अप, गैप अप होगा तो फिर भी आपका हेज है प्रॉपर, ठीक है, तो रेयर केस में होता है। टाइमिंग आपका ये क्या बोलते हैं, वही 11 बजे बना लो आप, अभी एक्सपायरी को 11 बजे बना लो। हाँ, यदि आपका दूसरा ब्रोकर है तो पहले आप बाय करो, जैसे आपका एंजल ब्रोकिंग है तो आराम से आपका हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग में आप ये कीजिएगा तो पहले आपका बाय हो जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा, जिरोड़ा में नहीं होगा, जिरोड़ा का बहुत भाव बढ़ा हुआ है। चलो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, है ना, मैं लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका ये क्लियर हो जाए।
मेरा टाइपिंग वगैरह नहीं आता है ना, वो सब टीम करता है। ये 1-2 रुपये चलेगा, और वहाँ रेंज भी कोई 55 हो सकता है, कोई 60 हो सकता है। ठीक है, बाई चांस बहुत ज़्यादा ये गैप अप या गैप अप गैप डाउन होगा दोनों साइड का। ठीक है, बहुत बहुत है सर, बहुत स्ट्राइक प्राइस का जो एसएल होगा आपका 120 होगा। ठीक है, और टारगेट ये रेयर केस में आपका एसएल हिट होगा। ठीक है, ये टेंशन फ्री, जिनके स्पेशली जिनको स्कैल्पिंग में हमेशा नहीं सॉरी जिनको एक्सपायरी के दिन में हमेशा लॉस होता है, ठीक है, उनके लिए है। ठीक है, ये फॉलो करो तो कैपिटल आपका सेफ रहेगा। ठीक है, और ये जैसे आज लिए हैं हम लोग, आज एक्सपायरी है तो हम लोग नेक्स्ट वीक का टाइमिंग इसमें बता देते हैं। ठीक है, जो टाइमिंग आपका है इसमें, ठीक है, ये आपका 11 बजे हम लोग एडवांस भी लेनी है, लेकिन 11 बजे लेना है। ठीक है, ऑन एवरी थर्सडे, इतना सिंपल तो स्टेज ही है, ये पोजिशनल है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बन फिर से समरी कर दे रहे हैं, और इसका नाम टेंशन फ्री स्टेज ही है। ठीक है, आप एक्सपायरी के दिन में 11 बजे के बाद पोजीशन में आना है, सीईपी दोनों सेल कर दो, दोनों का रेंज होना चाहिए आपका 60 से 70 रुपीज़, और मार्जिन लेने के लिए आप 200 से 300 रुपये अलग तो सीईपी दोनों बाय कर लो, और नेक्स्ट फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे प्रीमियम डीके होता है, तो फ्राइडे को आप जो भी पॉइंट मिलता है 20 से 30 पॉइंट आप प्रॉफिट बुक कर लो 2 बजे से पहले। ठीक है, 2 बजे से पहले ऐसा कुछ भी नहीं कि जब भी पॉइंट दे 20 से 30 पॉइंट दे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और बाई चांस बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो वहाँ पर आपको लॉस दिखेगा, लेकिन आप यदि 120 ऊपर होगा तो उसको एग्जिट करना है, बाकी दूसरा 0 हो जाएगा तो आप बिल ओवरऑल 15 से 20 पॉइंट ही लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आप हेज लिए हैं ना, डैट सिंपल। बाकी कुछ भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं इसको मिटा देना मिटा दे रहा हूँ। ये कैसे मिटेगा यार, ये स्टेज समझ में आ गया आप लोगों को फ्राइडे? अरे यार, कोई कुछ कंफ्यूजन है? नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, सिंपल सी है पोजीशन साइजिंग, इसमें ऑटोमेटिक आपको सही हो जाएगा। 1 लाख है तो 1-1 लॉट है ना, सिंपल सा है। कैपिटल बढ़ाने के लिए एक्सपायरी में जब उसका नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो एक बोनस स्टेज था। ठीक है, बाकी मेन जो 5 डेज का जो क्लास है, कौन सा फ्राइडे, ये आज का थर्सडे और कल का फ्राइडे, डैट सिंपल। ठीक है, तो एक्सपायरी का जो मेन जो स्टेजी है, जो भी मैं बचा कर रखा हूँ, वो आपका ये ट्यूसडे को होगा। ठीक है, आज आप लोग हॉलीडे बनाइए। ठीक है, हॉलीडे बनाइए, और आपका जो ट्यूसडे का होगा आपका मिनिमम 3 आवर्स का होगा, उसमें सारा हम लोग एक बार समरी भी कर लेंगे, उसके बाद सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और हीरो जीरो अभी आज नहीं बताएंगे। ठीक है, आप आज आप लोग प्रॉफिट में
अभी बता देंगे बाई चांस लॉस हो जाएगा फिर पूरा मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, इसलिए आज नहीं करना है ठीक है। और यदि थर्सडे को सॉरी सेकंड हाफ में वैसा कुछ होता है तो मैं बताऊँ, लेकिन चांसेस है कि मैं आज रेस्ट करूँगा ठीक है, तो नहीं करना है ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, पूरा वीक का मूवमेंट हो चुका है, तो अभी नहीं करना है। यदि कैपिटल आपको सेव करना है जबरदस्ती कीजिएगा फिर आप मर जाइएगा। तो आज आप लोग रेस्ट कीजिए ठीक है, तो लास्ट जो सेशन होगा उसको प्लीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा। भले आपका कोई जॉब करते हैं तो उस दिन आप छुट्टी ले लीजिएगा, ताकि पूरा खोपड़िया आपका क्लियर हो जाए, दिमाग में घुस जाएगा है ना। जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है ठीक है। स्कैल्पिंग लास्ट डे ट्यूसडे को होगा ना? हाँ भाई ट्यूसडे को होगा, तो आप लोग रेस्ट कीजिए ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है। अब ऐसा कुछ होगा हीरो जीरो ट्रेड तो आपको एप्लीकेशन टेलीग्राम में नहीं, एप्लीकेशन में ट्रेड नोटिफिकेशन जाएगा ठीक है, वैसा कुछ होगा तो है ना। तो मैं अभी अभी रेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दिन भी नहीं पूरा हुआ, तो हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट ट्यूजडे को। और काफ़ी सारा लर्निंग जो भी वीडियो अपलोड हुआ है वो देखिए समझिए ठीक है, उसके बाद जो मेन जो आप होगा जो आपका ट्यूजडे को होगा मिनिमम 3 आवर्स का क्लास होगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा ठीक है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होगा ठीक है। बाकी सारे लोग प्रॉफिट किए हैं, मुझे ज़्यादा खुशी है ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।